हेलो वेलकम बैक टू चैनल टेक मस्ती। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट श्वेता सिंह। मैंने ये सुना है कि कैनॉट प्लेस का फायर पान काफ़ी फेमस है, लेकिन उससे पहले आप कैनॉट प्लेस पहुँचेंगे कैसे? सबसे ईजिएस्ट वे है मेट्रो। मेट्रो ले राजीव चौक उतर जाएं और वहाँ से बाहर निकलते ही आप पहुँच जाएंगे कैनॉट प्लेस। तो अब फायर पान की खोज में मैं भी निकल चुकी हूँ। फिर चलते चलते मुझे एक शॉप दिखी। मैंने सोचा कि जो मेरा डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने से पहले क्यों ना लगे हाथ यहाँ भी ट्राई मार लिया जाए। क्या डिफरेंस है उस फायर पान और इधर के फायर पान में, क्यों है वो इतना फेमस? आइए करते हैं कंपेयर। यहाँ पर तीन पान के तो बोर्ड लगे हुए हैं, नॉर्मल मीठा पान, आइस पान और फायर पान। लेकिन अंकल जी से जानते हैं क्या है इन सब की खासियत। देखो बर्फ वाला ठंडा हो जाता है, इससे भी जो ये क्या ये कौन सा चॉकलेट पान भी है, स्ट्रॉबेरी पान भी है और ये फायर पान भी है। तो शाम को तो काफी पब्लिक इकट्ठा होती होगी। हाँ हाँ हाँ, भीड़ होती है। कितना पान बेच लेते हैं आप एक दिन में? ज्यादा 500,000 रुपए का। 500,000 रुपए का। और सबसे ज्यादा फेमस क्या है, कौन सा पान? फायर फायर पान। और बर्फ वाला ठंडा ऐसी है, सबका मीठा भी होता है, सबका मन लगता है कि फोटो खिंचवाऊं। अच्छा, फोटो खिंचवाने के लिए, खाने के लिए फोटो खिंचवाओ। अच्छा, इसमें क्योंकि आग लगाई जाती है तो ये कौन सा केमिकल पाउडर का यूज करते हैं? ये बेटा वो होता है बरास। क्या? बरास। अच्छा, तो इससे खाने के बाद कुछ साइड इफेक्ट होता है बॉडी में, कोई एलर्जी, कुछ दिक्कत? कुछ नहीं होता, क्योंकि काफी लोग तो इस डर के मारे नहीं खाते। यूं मोड़ के मुंह में जाएगा ना, उसके बाद पता नहीं लगेगा आग जली कि नहीं जली। अच्छा, तो क्या जलने वलने का कुछ खतरा है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसी नहीं कुछ। अच्छा। जैसा कपूर होता है ना, कपूर वो जलाने के बाद में इतना पता नहीं लगा, वो चीज होती है। पिछले 30 सालों से नॉर्मल पान बेचा करते थे, लेकिन 2-3 साल से फायर पान और चॉकलेट पान का क्रेज इतना बढ़ गया है कि अंकल की दुकान भी चल पड़ी है। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इनके फायर पान में। लेट्स स्टार्ट। फाइनली पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन पे, ओडियन शुक्ला पान वाले के शॉप के पास। खैर, ये पान वाला शॉप आपको मिल जाएगा ओडियन सिनेमास पीवीआर के सामने। और पहले हमने एक ऑलरेडी फायर पान ट्राई कर चुका है, अब हम करेंगे इसके साथ उसे कंपेयर। कौन सा वाला पान था सबसे ज़्यादा खास और क्या थी उसमें अच्छी बात?
तो दोनों शॉप्स पे पान ट्राई करने के बाद मैं इस डिसीजन पे पहुंची हूँ कि शुक्ला जी का पान ज्यादा टेस्टी है। अब मैं बताती हूँ कैसे। जो पान हमने वहां पे खाया था उस पान को खाने के बाद मेरे मुंह में थोड़ा थोड़ा जलन हो रहा था, बट अगर वही सेम पान मैंने शुक्ला जी के यहाँ खाया तो मुझे जलन नहीं हो रहा था, क्योंकि इन्होंने उसमें एक्स्ट्रा बर्फ डाला था जो कि उन्होंने नहीं डाला था। अब दूसरी बात ये कि दोनों ही पान खाने के बाद मुझे कड़वा लग रहा था, दोनों ही पान का टेस्ट लास्ट में कड़वा आ रहा था, लेकिन शुक्ला जी का पान जो था वो खाने के बाद लास्ट में थोड़ा थोड़ा स्वीट सा लगने लगा, जिसकी वजह से हम अंदर निगल पा रहे थे। लेकिन वहीं अगर उस पान की बात करें तो वो खाने के बाद मुझसे अंदर निकला ही नहीं जा रहा था, तो मुझे वो थूकना पड़ा। तो अब ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि मुझे लगता है कि शुक्ला जी ने काफ़ी गुलकंद डाला था और रूअफज़ा डाला था और भी कुछ स्वीट चीज़ें उसमें ऐड की थी। तो ये तो था मेरा डिफरेंस जो कि मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर किया। और अब वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये वही शुक्ला जी का पान का दुकान है जहाँ पे सिद्धार्थ और परिणीति ने अपनी जबरिया जोरी के शूट के दौरान आके पान खाया था। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली घूमने आए हैं या किसी भी वजह से आए हैं तो आइए यहाँ का पान ट्राई कीजिए, और पान ट्राई करने के बाद हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको यहाँ का पान। और साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे और किन किन जगह पे शूट करके रिव्यूज देने चाहिए। बने रहिए चैनल टेक मस्ती के साथ। अब मैं करियो साइनिंग ऑफ। थैंक यू, शुक्रिया। सब्सक्राइब करिए चैनल टेक मस्ती, हिट द बेल बटन एंड गेट द नोटिफिकेशन।